नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हॉल इंडिया। मेरी आने विनीता के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। उज्जैन समर्पण सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर आयोजकों द्वारा स्थानीय इंदौर रोड स्थित होटल मेघदूत में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में से शिव भक्त बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए अलग अलग नदियों का जल एकत्रित कर उज्जैन नगर में आते हैं। इसी श्रृंखला में आगामी 15 जुलाई शुक्रवार को हजारों की संख्या में धर्मावलंबी कांवड़ यात्रा के माध्यम से बाबा महाकाल का जलाभिषेक करेंगे। आयोजकों ने बताया कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त महामारी से सबसे ज़्यादा इंसान को बाधित किया है एवं संपूर्ण मानव जगत में एक निराशा का भाव सभी के मन में रहा है, जिसे इस प्रकार धार्मिक आयोजनों व ईश्वर की आराधना से दूर किया जा सकता है। ऐसा भाव लेकर संपूर्ण कांवड़ सेवा समिति द्वारा इस वर्ष वृहद स्तर पर कांवड़ यात्रा का आयोजन स्थानीय त्रिवेणी घाट शनि मंदिर भगवान महाकालेश्वर के मंदिर तक किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति के साथ स्वयं श्री उत्तम स्वामी जी महाराज, विनित गिरी जी महाराज महंत महाकाल मंदिर, श्री काशीनाथ त्यागी जी महाराज महंत पवासा हनुमान मंदिर, श्री स्वामी नारायण मंदिर त्रिवेणी के महंत व अन्य प्रबुद्ध जनों के सानिध्य में त्रिवेणी घाट से जल लेकर कांवड़ के पूजन के उपरांत यात्रा प्रारंभ होगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों शनि मंदिर से महाकाल मृत्युंजय द्वार टावर चौक जहां पर स्वामी जी के आशीर्वचन होंगे, तत्पश्चात दौलतगंज कंठाल चौराहा गोपाल मंदिर पटनी बाजार गुदरी चौराहा हरसिद्धि पाल होते हुए शंख द्वार के माध्यम से महाकाल मंदिर में प्रवेश करते हुए भगवान महाकालेश्वर के श्री चरणों में त्रिवेणी का जल अर्पित करेंगे।